हे गाइस व्हाट हुआ प्ले में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो गाइस ये रहा दूसरा पार्ट जो मैं हिप हॉप बंडल का मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग को ये भी बताया था कि आप लोग को रिडीम कोड भी मिलने वाला, मैंने आपको बताया ना कि दूसरे पार्ट के अंदर रिडीम कोड में आपको देने वाला, वो भी 1000 डायमंड का रिडीम कोड देने वाला, काफी सारा डायमंड 1000 से भी ज्यादा हो सकता है। तो रिडीम कोड कैसे मिलेगा वो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा और पहला पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट के अंदर मैं आपको रिडीम कोड देने वाला हूं। तो यहां पे बात करेंगे, ये जो हिप हॉप बटन है, हिप हॉप बंडल देख रहे हैं ना, ये हिप हॉप बंडल हमें निकालने वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला हिप हॉप बंडल तो काफी गजब का बंडल है। तो इसको मैं यहां पे निकाल लेता हूं, 180 टोकन की जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे क्या करूंगा, 400 डायमंड यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। तो 400 डायमंड यहां पे स्किप कर देता हूं। तो यहां पे एक-एक टोकन मिला, 10 टोकन अभी तक नहीं मिल रहा भाई, क्या पता मैं क्यों नहीं मिल रहा है। गाइस मैंने टॉप अप किया था और डायमंड आने में काफी समय लग गया, यानी कि 5 से 6 मिनट यहां पे लग गया। तो फिर मैं वीडियो को कट करके और फ्री फायर को क्लोज करके फिर से वापस से जो है ना डायमंड यहां पे आ चुका, जैसे कि आप देख रहे। तो 5647 यहां पे डायमंड दिख रहा है। तो यहां पे क्या करूंगा, ये हिप हॉप बंडल निकालने के लिए यहां पे जो है ना दूसरा स्पिन करने वाला, पहला स्पिन कर लिया था, दूसरा स्पिन यहां पे कर रहा हूं, यहां पे स्किप कर देता हूं। और इस बार कांग्रेचुलेशन यहां पे बताया, तो इस बार देखते हैं मुझे क्या मिला। तो ये बंडल मेरा जो काफी बेकार बंडल है, और यहां पे एक और चीज मिला मुझे, यार टोकन दे देता तो बेहतर रहता, इससे अच्छा मुझे टोकन चाहिए। तो यहां पे कुछ 10 टोकन मिला भाई, ओ भाई साहब, मतलब यार कतई जहर हो चुका। यहां पे 10 टोकन मुझे फाइनली मुझे मिल चुका, तो इसको स्किप कर देते हैं। और यहां पे 31 हो चुका, यहां पे फिर से 400 डायमंड के अंदर स्पिन करता हूं, यहां पे स्किप कर देता हूं। तो यहां पे एक टोकन मुझे मिला, 2 टोकन और एक एक टोकन, तो काफी सारा यहां पे टोकन नहीं मिला, कम मिल रहा है यहां पे, तो स्किप कर देता हूं। और इस बार देखते हैं कि एक एक टोकन मिला, फिर से स्किप कर देता हूं, फिर से स्पिन कर रहा हूं। और गाइस यहां पे देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो यहां पे 2-2 टोकन मिला और एक एक टोकन मिला, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे 400 डायमंड लगाता और यहाँ पे 56 हो चुका है, मैं देख सकती यहाँ पे 2 टोकन फिर से मिला। तो टोटल यहाँ पे देखे 67 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से स्पिन कर रहा हूँ और यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, 10 टोकन मिल जाए भाई। तो यहाँ पे 3 टोकन और यहाँ पे 2 टोकन मिला, ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। फिर से यहाँ पे 400 डायमंड के अंदर यहाँ पे करता हूँ और गाइज यहाँ पे देखते क्या मिलता है, कांग्रेचुलेशन बताया। और इस बार भी आप देख सकते हैं रेड बॉक्स यहाँ पे मिला, तो कोई इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-2 टोकन मिला 2 बार और एक एक टोकन मिला, ठीक है। तो ज़्यादा टोकन मिलता ना तो काफ़ी बेहतर रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टोकन मुझे मिला और 2 टोकन, ठीक है। फिर से 400 डायमंड के अंदर स्पिन कर रहा, फटाफट स्पिन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना हो और मैं आप लोग को रिडीम कोड के बारे में बता दूँ। तो स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 टोकन 1 टोकन मिला, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे स्पिन कर रहा और गाइज यहाँ पे 10 टोकन मिल जाता ना एक बार, मुझे मज़ा आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से नहीं मिला, फिर से स्पिन कर रहा और स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस बार भी कांग्रेचुलेशन, इस बार भी बॉक्स मिला और एक एक टोकन मिला, 1-2 टोकन मिला। तो टोटल यहाँ पे 133 हो चुका। फिर से 400 डायमंड यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते फिर से कांग्रेचुलेशन। और ये मुझे क्या मिला है भाई, इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और सरबोट का स्किन मिला क्या, पता नहीं क्या मिला ये इसकी, हाँ सरबोट का स्किन है ये, काफ़ी ओपी है ये, मुझे मेरे पास नहीं था, ठीक है, ये मुझे मिल चुका तो काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 146 टोकन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। 400 और डायमंड यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि मुझे इस बार 2-2 बार 2-2 टोकन मिल जाएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1-1 टोकन मिला और 2 टोकन भी नहीं मिला, 1-1 टोकन मिला और काफ़ी ज़्यादा बाइनरी नहीं मुझे मिला। फिर से 400 डायमंड के अंदर स्पिन कर रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एक, और गाइज यहाँ पे टॉपअप करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं टॉपअप कर लेता हूँ फिर से, इसलिए गाइज यहाँ पे टॉपअप यहाँ पे हो चुका, ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे टॉपअप हो चुका। फिर से यहाँ पे 400 डायमंड के अंदर स्पिन कर रहा और गाइज यहाँ पे टैप कर देता हूँ, इस बार क्या मिलता है, 1-1 टोकन मिला। फिर से स्पिन कर रहा और यहाँ पे लास्ट स्पिन हो, मैंने मेरे हिसाब से होने वाला है तो 2 टोकन, तो कितना हो चुका, और यहाँ पे एक और टोकन यहाँ पे मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो 1-1 टोकन जो है ना ये 400 डायमंड के अंदर करता हूँ, 1 टोकन मिल जाए भाई, 1 टोकन, फिर से 1 टोकन मिल जाए भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 टोकन, ओ भाई साहब, मतलब यार काफ़ी समय लगेगा, मतलब 400 डायमंड में ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 40 डायमंड के अंदर ज़्यादा टोकन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टोकन और, तो यहाँ पे देख सकते पूरा यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे 180 टोकन यहाँ पे हो चुका है। और चलिए गाइज यहाँ पे क्या करता हूँ, हिप हॉप बंडल यहाँ पे निकाल लेता हूँ, जैसे कि ब्रेक डांसर बंडल, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेक डांसर नहीं है, हिप हॉप बंडल इसको कहते हैं, ठीक है, हिप हॉप बंडल नहीं है तो ब्रेक डांसर बंडल है, तो इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बंडल देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक डांसर बंडल, जो काफ़ी ओपी और कमाल का है, तो मैंने गलती से प्रोनाउंस कर दिया था कि ये हिप हॉप बंडल है, तो ये ब्रेक डांसर बंडल है, तो इसको सीजन 2 का ये बंडल है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, एक्सचेंज करता हूँ, ठीक है, ये बंडल तो काफ़ी ओपी है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो जाना, ठीक है, और रिडीम कोड भी देने वाला, तो यहाँ पर आ चुका, ठीक है। तो इसको 180 डायमंड के अंदर यहाँ पर स्पिन कर लेता हूँ, तो गाइज यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर स्पिन, और गाइज यहाँ पे देखो कांग्रेचुलेशन बता दिए, और ये मेरे पास मिल चुका है यहाँ पे
हिप ब्रेक डांसर बंडल जो काफ़ी ओपी और कमाल का लेजेंडरी बंडल है, तो ये मुझे मिल चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं सीजन 2 का यहाँ पे बंडल मिल चुका है। तो टोटल कितना डायमंड मुझे खर्च हुआ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये दोनों बंडल निकालने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डायमंड यहाँ पे लगाना पड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, फाइनल यहाँ पे निकाल लिया ये दोनों बंडल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं रिडीम कोड के बारे में। तो दोस्तों रिडीम कोड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जा करके आप सर्च कर सकते हो होगा टोगा, और जो पहला वेबसाइट आएगा ना तो वहां पे आप सर्च कर लोगे। मैं आपको दिखा देता लाइव प्रूफ के साथ, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सर्च यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये गूगल पे आ जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा, यहाँ पे होगा टोगा, यहाँ पे नाम लिख दिया, और ये जो फर्स्ट जो देख रहे हैं ना इसी फर्स्ट वेबसाइट के अंदर जाएंगे और सर्च बार में यहाँ पे लिखेंगे फ्री फायर, लिखेंगे फ्री फायर रिडीम कोड, ठीक है। और ये फर्स्ट जो पोस्ट आएगा ना इस पर क्लिक करना है। एक बार आपको ऐड वगैरह नहीं चलेगा तो आपको सिर्फ नीचे जाना होगा, ठीक है। नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो है ना एक बटन आएगा, एक मिनट वेट करने का, इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे कि आप देख रहे हो पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको 20 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 20 सेकेंड वेट करने का कोड आ जाएगा, इसको कॉपी करना और प्ले स्टोर में जाकर रिडीम करेंगे ना, फिर से टॉपअप करेंगे ना तो 1000, 2000 या 3000 भी डायमंड आप लोग को मिल सकता है। और ये सीजन 1 का और सीजन 2 का आप बंडल निकाल सकते हो, कोई भी बंडल निकाल सकते हो, कोई रिवॉर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो चली वीडियो को लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब करके अवेलेबल ऑलवेज कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।